हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इसके पहले वीडियो में मैंने अपना नर्सरी टूर का वीडियो शेयर किया था। तो मैं नर्सरी गई थी तो कुछ मैं बहुत महत्वपूर्ण पौधे खरीद के लाई थी, ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा ही लाई, बट मेरे लिए बहुत ही महत्व रखते हैं। तो वही मैं आज आपसे उन पौधों के नाम और दाम सहित मैं शेयर करूँगी। तो फिर मैं लाई हूँ, ये देखिए दो मेरे आंवले के प्लांट हैं, ये देखिए दो आंवले के प्लांट मैं लाई हूँ। मेरा बहुत दिन से मन था आंवला लगाने का, तो ये सीजन में लोग कहते हैं आंवला लगाना बड़ा शुभ होता है और आंवला जोड़े में लगाना चाहिए तभी वो फल देता है। तो मैं दो ले आई हूँ, ये दोनों मुझे मिले हैं 150-150 के। छोटे प्लांट जो थे वो 100-100 रुपए के थे, लेकिन ये थोड़े बड़े थे 150-150 के, यानी 300 में मुझे दोनों प्लांट मिले। और एक ये मैं केला लाई हूँ, केले का प्लांट मेरे पास पहले बहुत था, बहुत साल मेरे पास केले का प्लांट रहा लेकिन सूख गया, तब से फिर मेरे पास नहीं हुआ। तो मैं सोची कि केला एक ज़रूर लगाऊं, तो एक केले का प्लांट मैं लाई हूँ, ये तो मिला मुझे 50 रुपए का। केला भी लगाना कहते हैं बड़ा शुभ होता है इसलिए। और मैं लाई हूँ एक ये एग्लोनिमा का प्लांट, इसके पहले मेरे पास एग्लोनिमा की एक वैरायटी थी जो केवल ग्रीन और उस पर वाइट स्पॉट होते हैं। अब मैं नाम तो नहीं जानती थी उसका, लेकिन वो अभी मेरा ख़राब होके सूख गया। तो ये एग्लोनिमा लिपस्टिक है इसको कहते हैं, तो ये मैं ले आई, मुझे थोड़ा हेल्दी लगा प्लांट। और इसमें तीन हैं, देखिए डिवाइड होके तीन प्लांट हैं, तो ये मुझे 300 का बोल रहे थे लेकिन मैंने बहुत कहा तो 250 में मुझे ये प्लांट मिला। लेकिन देखिए प्लांट मेरे बहुत हेल्दी हैं तो इसलिए मैं इसको ले आई, इसका भी मुझे बड़ा मन था। और ये चार प्लांट मैंने लिया, तो एक ये पिटूनिया का प्लांट, उनके पास बहुत कम अभी आया ही था, मुश्किल से 30-40 प्लांट थे, तो एक गिफ्ट में दिया उन्होंने। जब मैंने पहले इसका प्राइस पूछा तो उन्होंने 30 रुपए बताए थे, लेकिन जब मैंने इतना लिया तो उन्होंने जो है इसको मुझे गिफ्ट में दिया। और उसके बाद मैं कुछ सीड्स लाई हूँ, सीड भी लाने का मेरा मेन उद्देश्य था। ये देखिए मैं मूली लाई हूँ, ये देखिए मूली भी इस सीजन की बहुत ही अच्छी वो होती है सर, इसको खाने के साथ खाने में सलाद के रूप में। और ये गोभी के सीड मैं लाई हूँ, हाइब्रिड गोभी, इसको जैसा कि देख रहे हैं आप पैकेट कर चुका है, इसकी मैं थोड़ी बुआई कर चुकी हूँ, इसकी सीडलिंग कर चुकी हूँ। और ये बैंगन लाई हूँ, बैंगन का मेरे पास गोल बैंगन के प्लांट हैं, ये लंबे वाले बैंगन का मैं सीड लाई थी, इसकी भी सीडलिंग मैं कर चुकी। ये देखिए गाजर है, कैरेट, इसको अभी बुआई करना है। ये पालक है, अरे मेथी है, सॉरी मेथी है। ये सोया है, सोया का साग, और ये पालक है। और इसके साथ मैं मटर के 5 पैकेट लाई थी, तो इन पैकेट का प्राइस मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। ये पैकेट सारे मुझे 20-20 रुपए के मिले हैं, मटर का भी जो जिसकी कि मैं बुआई कर चुकी हूँ, और सारे ये पैकेट मुझे 20-20 के मिले हैं। यही गोभी के बीज का पैकेट मुझे 40 रुपए का मिला, ये भी सब मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। तो इतनी सब शॉपिंग मैंने की, और उसके बाद अब मैं इनको धीरे धीरे करके लगाऊंगी। आज ही मैं आंवले का प्लांट लगाने का विचार कर रही हूँ, क्योंकि मुझे असमंजस है कि मैं इनको गमले में लगाऊं कि ग्राउंड में लगाऊं। मेरे पास दोनों उपलब्ध हैं, चाहूं तो गमले में भी लगा सकती हूं, चाहूं तो मेरे पास ग्राउंड है, अभी मैंने कुछ सही से डिसाइड नहीं किया है।
और बिना अगर ग्राउंड में लगाऊंगी तो बिना किसी की हेल्प के नहीं लगा पाऊंगी, इसलिए आज मैं इसको नहीं लगाऊंगी। ठीक है दोस्तों, मैंने आपसे शेयर किया वीडियो, कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड।